अली के कायनात के दिलचस्प जुर्म पर हंसता तो होगा भी यस्ता कभी कभी। ये है चिल्ला, रियासत जैसलमीर का एक मशहूर गांव। अकबर आजम के जमाने में शेख चिल्ली इसी गांव में पैदा हुआ। उसका नाम नूरुद्दीन था और बाप का नाम शेख हिसामुद्दीन। चिल्ली अभी बच्चा ही था कि बाप का साया सर से उठ गया। माँ घी के कारोबार से गुजर औकात करने लगी। माँ की ममता ने बेटे को खिलंडरा और शरारती बना दिया। उसकी तमाम तर तवज्जो हंसी मजाक में सरफ होने लगी और इसी तरह वो जवान हो गया। एक दिन माँ की खिदमत का शौक उसे लकड़ियां काटने के लिए जंगल में ले गया। रब रब कहो से सदा ही राजी रहो। क्यों भाई रब दिया बंदिया, कौन है तू? आप ही बुझ ले, मेरा हाथ वेला नहीं। गैब दे इलम ते निजी छत वाला जानता है, पर एक गल फकरा दी याद रखी, तू इस चांद तो थले जरूर टवेगा। हला पर तैनू किवें पता लगा? गुर ज्ञान नल काका, जिस चांद ते बैठी दा उन्हूं वड्डी दा नहीं, जे वड दईए ते पासे अपने ही भजदे ने। गल्लां ते बड़ियां वध वध के करना है, पर मेरे लक नूं बधे रस्से वल नहीं तकदा। जिदा दूजा सिरा और तीसी वाले टण नाल बधाया, मैं किवें टह सकना? ओए चलिया, जदों चक्कड़ चुलदे ने वड्डे वड्डे दरख्त जड़ां तों उखड़ जांदे ने, तू ते है ही मिट्टी दा पुतला। तैनूं भुलेखा लगा बाबा लोका, मेरा नाम मिट्टी दा पुतला नहीं, मैनूं शेख चिल्ली कहिंदे ने, पुछ लई भावें बेबे कोलों। हला ते शेख चिल्ली तेरा ही नां है? आहो, जा गंडी पा दूर जाना होगा ते एक नसीहत साड़ी भी पल्ले बनदा जा। आप तो सियाने बंदे नूं मत देण वाला हमेशा बेवकूफ होंदा ही, पुछ ले भावें बेबे कोलों। चंगा वे साईं लोका, असां ते तेरे भले दी गल कीती सी, मन ना मन तेरी मर्जी, रब बे रब कहो ते सदा ही राजी रहो। आ चल हुण मगरों वी लो, मंगणियां टापां दे करनियां उलियाईयां। साढ़े वांगू मजूरी करके ढिड पाले ते जानिए, सच आख्या साढ़े या सियाने बजा ने, अपनी मत से पराई जनानी सारा नहीं चंगी लगती है कली। दरख्त भी भारा ही मालूम होता है चली यार। शिखर दोपहर है मता कोई जिन भूती ना चंबड़ जाए। हाँ नहीं मेरी बेबे, ठहरो नहीं ठहरो, फी खावेगा साड़ी पूरी, मैं नगतावा खा। तेनू पावा अमरीका की कणक का बुरा। बल्ले बई बल्ले, वेखा चली हुसन दियां कचहरियां लगियां होईयां नी ते मुलजमां नूं मारां पै रहीआं नी। नी उधर ती वेखो, इस मर जाने दा दूजा भरा भी आ गया जी। किस जमदूद ना मथा ला लिया है, इहदे बारे तेरी बेबे भी नहीं आ सकती। तुसी मेरी गल सुनो। मैं क्या की मशवरे कीते जे
कुछ साडे भी पीड़ पले पाओ सजनो। मैं क्या सब कुछ दस देंगे, जरा पानी से पियाओ सजनो। साडा लव भी आ जरे एक बारी अजमाओ सजनो। बस अड़िया हूं मैं रज गई हूं। असी ते हाली नहीं ना रजे, सानू भी ते अपनी सदरां पूरियां कर लैन दो। ए जी सदरां पूरियां फेक कर लेना, हुण तुसी फुट्टा खान वाली गल करो। मैं क्या जे कुड़ियां नू शक पै गया ते मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। मां तकरे जाए असी हुण दिन्ने मोहब्बत बदनाम, आए लो असी चले जी। मैं क्या एक गल हो रही, सारे रस्ते पिछा परत के ना देखी। लो जे तुसी कहंदे हो ते सारी हयाती पिछा परत के नहीं तकांगे। हला ऐसी बन दी जानी बाहू, स्वाद टैप वे ते टैप वे, पर काठी कदी ना टवे।
ओए नामा नीमा, ओ काठी किसी ने कदी थले भी कसी है? ले साडे कोलों वध काठी कौन बन सकदा जानी बाहू, असी चार साल घोड़े अस्पताल मुलाजिम रहे हां, एवें नहीं तेरी नौकरी आन कीती। बकवास नहीं कर ओए, काठी ठीक करके बन। जानी यार आ रहा है तेरे तावेदार, कुछ कुछ वाल ते कुछ कुछ बीमार। ओए ओए इस वेले तू कितों आवड़े ओए? और कसा फोल के तेनू की दुख जानी, मेरा बेबे ने कर दिता है गोल बिस्तर। कोई फिक्र ना कर तू यार चिल्ली, तेरा होएगा हम साडे खोल बिस्तर। तेरे सौन दी मेरे कोल था कोई ना, पावे बन बिस्तर ते पावे खोल बिस्तर। बहुत बेदीद है भाई, ओए असी कोई लौरिए वांगू तेरिया रोटियां दे कातल बन के नहीं आए। मियां सानू ते सौन लई एक डेढ़ गज जमीन दा टोटा चाहिदा, या फिर नौन तोड़ लई एक मिट्टी दा लोटा चाहिदा। वेहो चिल्ली, इस वेले मैं तेरे नाल लाडा नहीं लाना, परत के आवांगा ते गल करां। पर चलिया किथे वे बाऊ? नलखे बाग विच जिथे एक हानी दा प्यार दूजे हानी नू वाजा मार दे। अच्छा Oh.
ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਖ ਪਟ ਕੇ ਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਤਲਾਇ ਲੱਗ गलत सुनया भाजी असी एडे कमीने नहीं असि हुणे हुणे मुल्ला हलवाई की दुकान तो 5 सिर जलेबिया ते उत्तों 10 सिर दुध पी के आए हैं घट कुफर तौल मूजिया तू इना कुछ खा के ते 10 सिर दुध नहीं पी सकता साडे जिहा बंदा पी जाए ते पी भी जाए आ क्यों फड़ा पै मार दियो भाजी तुसी ते पानी दा घड़ा भी नहीं पी सकते घड़ा पी जाइए ते फिर असी तुहानू अपना पीर उस्ताद मन लांगे भाजी ते जे तुसी शर्त हार गए ते फिर ए हलवे का छन्ना असी चाड़ जावांगे मैनू बशक अपने बुए नू जंदरे मार लेना पलवान जी करिए
ਓਏ ਲਾਰੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਬੇੜ ਮਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਏ ਚਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੀਲੀ ਅਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਓ ਭਾਜੀ ਪੀਲੀ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਪੀਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਚਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਭਾਜੀ ਆ ਵੇ ਸਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੀ ਤੇ ਚਿੱਲੀ ਸਨ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਜੇ ਲੱਜਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਭਰਿਆ ਲਾ ਪਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਮਝ ਪਾ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਕਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਲੱਜ ਵੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਫਤਿਹ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਕਾਹੋ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜੀ ਰਹੋ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲੋ ਨਾ ਮਿਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਤੇਰੀ ਵੇਉਲਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਤ ਆਈ ਕੋਕਲਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਏ ਅੱਛਾ ਬੱਚੂ ਕੋਕਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਏ ਨੇੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਈ ਜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਜੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਪਰਾਤ ਆਈ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਜੇ ਕੋਕਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਏ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਲੱਭ ਕੇ
ਕਾਫਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਫੜਦੇ ਹੋ ਬੱਲੇ ਬਈ ਮੁਸ਼ਾਫਰਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਿਆ ਮੋਮਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਕਾਫਰਾ ਬੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਓਏ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਓ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਟੁਕਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨੱਸ ਕੇ ਕਾਕਾ ਇਹ ਭੁੱਖਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਫਜਰ ਨੰਬਰ ਤਾਰੀ ਲਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆਏ ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ ਓਏ ਚਾਨੀ ਨੇ ਤੈਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਨ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਏ ਟੈਣ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੋਰਾ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਿਉਂ ਬਈ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਲੋੜੀਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਬੇਬੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਜਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਲਮਾ ਓਏ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੋਇਓ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੱਪਣ ਪਾਇਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਚੱਲ ਛੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹੋ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਖੋਲ ਦਿਓ ਵੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਲੈ ਜਾ ਭੈਣ ਜਨਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਹੀ ਹੋਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਦਬ ਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨੀ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਅਰਜੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪਿਆ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਨਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਮਾਸੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਚਿੱਲੀ ਪਿੱਲੀ ਕੀ ਸਲਾਈ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੌਜੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਤਵਾ ਭਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਢੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੋ ਟਾਪਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨਾ ਪਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਿੱਲੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਜੋ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਵਾਏਗਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਏਗਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਡੰਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾਏ ਆਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਗਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ
मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, अड़िए तू मेरी मैं तेरा। दोस्तिए मन मोस्तिए मैं जूंगा मैं जागदा मैं पंछी रानी भागदा तू जिसे मर्जी जा पर ले लकड़े दे कैसे घर कुल जाके भी न जा के आवाज आवाज जल्दी जल्दी पर तंबू चुप डेरा मेरी मैं तेरा अड़िए तू मेरी मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा अड़िए तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरा अड़िया मैं तेरी तू मेरा तू मेरी मैं तेरा अड़िए तू मेरी मैं तेरा। एक तेरे दम गनीमत की खातर बिलो असी नंबरदार आरां दी नौकरी हायर मंजूर कर ली। शाबाश भाई शाबाश जिंदगी सौर जाऊगी तेरी चिल्ली पर मजूरी ते खा चूरी तेरा कौली ए चाचे दा कौले ते पहले कली करा के लियाओ ए राखे च पैड़ियां गल्लां तारां मड़ी ओ गल सुन चिल्ली इस बाग विच सानू खुलम खुले मिलना नहीं चाहिए जे तेरे यार जानी नू पता लग्या ते अपनी लंबियां बदनामियां हो जाणगियां। हां ओ किस भुखे कमीने दा नाम पई लैनी है लै अज दी सुन लै सानू 4 रुपयां दी जरूरत सी अशादरी असी ओदे कोल ए नेड़े मैनू पता सी तू जरूर आवेगा मजबूरन आना पिया चन तू ए दस कल शामी मैनू बाग विच क्यों नहीं आई चाचा कल दा मामला उगरान गया होया ते मैं घर किधर वाले करके आंदी चिल्ली भी शामों लाई फुट गया सी ओए वास्ता ही चिल्ली नू तेरी मेरी मुलाकात दा पता ना चले नहीं तो उन्हें सारे पिंड दे चंडोरा फेर दी सार दा वो ते मेरा अगे ही दुश्मन होया है। ओ क्यों ओ कल मेरे को 4 रुपये मंगे सस मैं देन तो इनकार करता ओ बड़ा ही नदीदा है जानी ना कम करदा ना काज वेलियां ही खांदा जी कदी एनू लहरिया रंगा ला होना ते फिर ते कमाल ही हो जाए। कमाल की हो जाए जदों तुसी लहरिया बन के बाहर निकलो ते लोकी चुक चुक के करन सलामा ते इंज मलूम होवे जिवें किसे रियासत दा नवाब आ गया। ओए आदित्य क्यों मखौल पिया करना है कदी मेरे जा बुढ़िया नू भी लहरिया सजिया और तुहानू मखौल करन वाले दे मूंह च पैन कीड़े माई बाप ते जिहड़ा तुहानू आखे बुढ़ा मैं भंजिया उहदी गर्दन जोरा भरो कदी मरदे घोड़ा भी बुढ़े होए ने। ओए तन मैं जवानी पे नजर आना वा वेखदा नहीं मेरी दाढ़ी ते सिर दे वाल किवें चिट्टे हो गए ने। ए तुहाडी दाढ़ी ते सिर धुप्पे फिर फिर के चिट्टा हो गया जनाबे बाली तुसी एक वारी लहरिया बन के ते वेखो की लटके आउंदे ने। ला जे फिर तेरी इहो ही मर्जी है ते रंगारिया पुत्तर लै लिया चंगा मजा आ जाएगा जी। उस्ताद जाव मंजूर करेगा साडा भी सलाम। वालेकुम सलाम किधरों आया काका भाई बड़िया मशहूरिया ने तेरिया रंग साजिया दिया नाले तीरिया बैंस बाजिया दिया पर एक गल से दस भावे दो गल पुत्र तेज पत्थर से लाम लकीर होंगी मूह आखी हुई चाचे जाम की गल से भावे Yeah.
न्याजी साहब ने जितने भी लोक गीत गाए वो सब पॉपुलर हुए, लेकिन फिर भी अगर हम उसका अगर ये कहें कि वो कौन सा उनका लोक गीत है जो बेपनाह मकबूल हुआ? अब जितने हमारे मॉडर्न म्यूजिक के लोग भी काम कर रहे हैं वो भी उनके बेतहाशा गाने जो हैं रीडू कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं दोबारा से। इबरारुल हक का इतना मशहूर गीत है आपने सुना, वाण कुटिया जी, वो तेरे शक ने मार सुटिया, वो उनका गीत अच्छा, कैसेट रिकॉर्डेड गाना अच्छा। है तीन में हम वापस आए जनवरी में, स्मिथसोनियन अमेरिका वाशिंगटन में, अब उन्होंने बुलवाया था हम सूफीज़म पे काम करके हैं बहुत लंबा चौड़ा, वहाँ से हमें अवार्ड भी दिए और बहुत इज्जत दी उन्होंने। मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप तो कहते हमारे घर के लोग उनको फिर सुन लेंगे, लेकिन लोग हमें बाहर से बुलवा लेते हैं, इधर उधर हम काफ़ी मसरूफ लोग रहते हैं, जितने आप जिन लोगों को स्क्रीन पे कम देखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहे, वो डेफिनेटली काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो अब बोलूँगा तो कहेंगे जी हम काम करवा रहे हैं इसलिए बाबा न्याजी बोल रहे हैं, क्योंकि ये बुरहान वाले जो कर रहे हैं यकीन जानिए ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बाहर के ममालिक में जब भी जाते हैं हम, तो किसी भी शॉप पे जाते हैं जहाँ वीडियो ऑडियो मिलता है, तो इतने लोगों के वहाँ ऑडियो हमें मिलते हैं और वीडियोज़ मिलते हैं, लेकिन हमारे बड़े बड़े आर्टिस्टों के वहाँ ऑडियो वीडियो नहीं है। वो सिर्फ ये हुआ कि एक तो उस ज़माने में इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि उनको रिकॉर्ड किया जाता अच्छे तरीके पे और उनकी रिकॉर्डिंग वहाँ मिलती, तो फिर अब जब दौर आया है तो वो लोग भी ना रहे, और जब उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी तो इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग के अतबार से अच्छी नहीं है, तो मैं तो इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, और आने वाले वक्त में अभी शायद लोगों को इसकी अहमियत का ना पता चले, लेकिन आने वाले वक्त में ये जो खजाना ये जमा कर रहे हैं इनको और शायद सबको पता चले कि उसकी कितनी बताइए कि तुफैल नियाजी साहब ने लोक गीतों के अलावा क्या गज़ल गीत वगैरह भी गाए? उनका मिशन ये था कि जिन मतलब ऐसे लोग जो क्लासिकल के बारे में नहीं जानते, उन्हें नहीं पता, मसलन के मेघ है, बजाय इसके के गरजत गण चमकत दान चलत परवान चनर अब ये एक रेडी वाला जो है उसको नहीं समझ आ रहा है, वो रेडियो बंद कर देता वो किसी और चैनल पे, तो उन्होंने बजाय इसके के उन्होंने कहा नवी नवी कणक दे मंडे मैं पकौनिया विच पकौनिया गुल्ली जालवा ओ तेरे नैन देख के भुल्ली जालवा ओ तेरे। अब ये मेघ ही है और रेडी वाले ने खुशी से वो सुन भी लिया जी। और उस तक पहुंच भी गया, उसने याद भी कर लिया। दूर जाके सजन प्यारे यार आने के दूर जाके सजन प्यारे यार
के दूर जाके सची प्यारे यार और गे दूर जाके सची माई बाप ते मैं पिंड की इज्जत कि वेख सकता था
ਤੇ ਜਾਮੂ ਦੀ ਲਾਰੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਬਾ, ਉਸਤਾਦ ਜਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਪੱਗ ਦਾ ਪੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਲੱਜ। ਬਿਨੇ ਛੰਗ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ? ਆਓ ਪੁੱਤਰ, ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੈਣਾ। ਓਏ, ਇਹ ਮਤ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸੁਝੀ ਸੀ ਫੜਾ ਮੁੱਤ ਤੇਰਾ। ਓਏ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਪੱਟ। ਨਾ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਲਿਆ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਚ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਚਿੱਲੀ ਪਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ। ਉੱਠੋ ਉੱਠ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਰਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਇਸ ਖੂਹ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੈਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਉੱਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਣਫਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਕੀਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਧਰੀ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਰੂਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅਮਨ ਤੇ ਚੈਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ?